दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जो अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सॉलिड स्टेट। भाई सबसे पहले ना कोई भी टॉपिक पढ़े ना उसके बारे में हमें दो चीज़ों का तो ज़रूर पता होना चाहिए। एक चीज़ वो टॉपिक पढ़ते क्यों हैं और दूसरा टॉपिक उस चीज़ में पढ़ते क्या हैं। तब तक हमें यही नहीं पता चलेगा हम पढ़ते क्यों उस टॉपिक को, हम करेंगे क्या उस चीज़ के बारे में और क्या चीज़ पढ़नी है। वैसे तो सॉलिड स्टेट बहुत वाइड टॉपिक है, अब उस सभी के बारे में थोड़ी ना है कि हम सारी चीज़ उसमें पढ़ते चलेंगे। हमें तो वो चीज़ पढ़नी है जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो वो चीज़ देखनी है। हमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी वो चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ कि भाई कौन कौन से जो टॉपिक होते हैं वे आते हैं, ठीक है, किस चीज़ के अंदर, नेट के अंदर कौन से आते हैं, जेम के अंदर कौन से आते हैं, या फिर नीट के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर कौन से आते हैं, इसके अलावा आईआईटी जेई के अंदर कौन से टॉपिक आते हैं। तो दोस्तों उन्हीं चीज़ की हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ कि भाई हमें पढ़ना कौन कौन से टॉपिक्स हैं, अगर मैं नेट की और जेम की बात कर लेता हूँ, नेट की और जेम की बात कर लेता हूँ, तो नेट और जेम में ना सबसे ज़्यादा है वे टॉपिक, देखो लगभग जो टॉपिक जो आईआईटी जेई के और नीट के भी इक्वल से होंगे, बट कौन से टॉपिक ज़्यादा होंगे जो हमें जेम के अंदर पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक सीएसआईआर नेट के अंदर आएंगे वे चीज़ें देखेंगे। तो जो बेसिक टर्म है, सबसे पहले तो हम बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा किसके अंदर, नेट के अंदर भी आता है, जेम के अंदर भी पढ़ेंगे, जेई के अंदर भी पढ़ेंगे और नीट के अंदर भी हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा कौन सा बनेगा, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जेई के अंदर तो पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है, और अगर हम और बात करते हैं नीट के अंदर भी ये क्वेश्चन आ जाता है, बट ये बेसिक टर्म्स आते हैं तो वो चीज़ पढ़ेंगे। तो ये नेट और जेम के में भी हम इसको पढ़ेंगे और इसके अलावा जेई के अंदर भी इस चीज़ को हम पढ़ेंगे, और अगर मैं बात कर लेता हूँ तो नीट के अंदर भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पढ़ा जाता है। इसमें भी दो टाइप्स आएंगे, प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे हम। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉइड का, तो वॉइड के बारे में हम पढ़ेंगे। वॉइड हमारा सीएसआईआर नेट में, जेम के अंदर, इसके अलावा हमारा हमारे पास किसके अंदर मिलेगा, ये जेई के अंदर पढ़ेंगे हम इसको, और हमारे को ये नीट के अंदर भी हमें इसको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा जो टॉपिक रहेगा हमारा रिलेशन रहेगा, आर ए में और डी के अंदर जो रिलेशन रहेगा वो चीज़ें, ये भी हम हर चीज़ में पढ़ेंगे, नेट के अंदर, जेम के अंदर, जेई और नीट के अंदर इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से फिर से आएगा स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, ये भी हर जगह पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, ठीक है, फॉर द लैटिस, ये भी हर जगह पढ़ा जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D स्ट्रक्चर, ठीक है, इनटू 2D, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को हम जेई और नीट के अंदर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसके अलावा नेट और जेम के अंदर इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं मिलर इंडिसेस की। मिलर इंडिसेस जो टॉपिक है वो, ये भी हम किसके अंदर, नीट और जेई के अंदर नहीं पढ़ेंगे इस टॉपिक को, और ये कहाँ पर हमें पढ़ना है, नेट और जेम के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल एंगल एंड द इंटरफेसियल एंगल, ये टॉपिक हम हर एक जगह पढ़ेंगे, ठीक है, नेट में भी, जेम में भी, नीट के अंदर भी, और हमारे पास आईआईटी जेई वाले टॉपिक्स में भी पढ़ेंगे। फिर आता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है, ये भी टॉपिक हम जेई और नीट के अंदर नहीं पढ़ेंगे इस टॉपिक को। फिर आता हमारे पास परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन, ये टॉपिक हमें हर जगह पढ़ना है, ठीक है। फिर आता हमारे पास डेंसिटी का एक टॉपिक आएगा, वो टॉपिक भी हमें हर एक जगह पढ़ना है। अगर हम फिर से बात कर लेते हैं सिमेट्री की, तो सिमेट्री के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे, ये टॉपिक भी हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे जेई और नीट वाले टॉपिक्स में, तो ये टॉपिक भी हमारा इंपॉर्टेंट है नेट और जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बात करते हैं ब्रेग इक्वेशन की, जो कि आज के टाइम बहुत ज़्यादा देने लग रहे हैं, इस टॉपिक पे ब्रेग इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है नेट के अंदर, जेम के अंदर, ठीक है, और इसके अलावा और हम बात कर लेते हैं जेई और नीट के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर फैक्टर की, स्ट्रक्चर फैक्टर को भी हम जेई और नीट के अंदर नहीं पढ़ते, ठीक है, इसके अलावा हम दोनों जगह वहाँ पर पढ़ेंगे, नेट में भी और जेम के अंदर भी, ठीक है। सिलेक्शन रूल फॉर द अलाउड रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए क्रिस्टल, ये भी टॉपिक हम जेम के अंदर और किसके अंदर, नीट के अंदर पढ़ेंगे, सॉरी इनके अंदर नहीं पढ़ेंगे इसको, हम जेम के और नेट के अंदर पढ़ेंगे इसको, ठीक है, जेम में और नेट में ये टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है। क्रिस्टल डिफेक्ट हर एक जगह पढ़ना है, डिफरेंस होगा क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड में, ये भी हर एक जगह पढ़ेंगे। बैंड थ्योरी भी हर एक जगह पढ़नी है हमें, रेडियस रेशियो रूल होता है ये भी हर एक जगह पढ़ेंगे। इसके अलावा जो ये टॉपिक हैं हम ये
ये जो अलग से मैंने टॉपिक ये मार्क कर रखा है, हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड, ये जैम के अंदर पढ़ना है। आइसोमोरफिज्म ये भी जैम के अंदर पढ़ना है हमें, और बोर्न हैबर साइकिल होता है ये भी पढ़ना है, और लैटिस एनर्जी टॉपिक, ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं। हम इन टॉपिक का नेट के अंदर भी डिस्कस नहीं करेंगे इन टॉपिक का, क्योंकि हमें पढ़ना वो है जो आएगा, ये नहीं कि हम कुछ भी उठा के पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हमें चीज़ें वो पढ़नी है जो आएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ये तो चीज़ था हमें पढ़ना क्या है। और दूसरा टॉपिक आता भाई हम पढ़े क्यों इस चीज़ को, भाई क्या ज़रूरत थी हमें इसको पढ़ने की, और भी तो बहुत सारे टॉपिक है। पढ़ना इसलिए ज़रूरी भाई ये, क्योंकि अगर मैं नीट की बात कर लेता हूँ तो नीट या आईआईटी जेई के अंदर, ठीक है, नीट या जेई के अंदर हर बार एक से दो क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, एक क्वेश्चन तो श्योर है आ ही जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, चार हमारे पास नंबर होते हैं, तो चार नंबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, तो इसलिए यह ज़रूरी है। अगर मैं दूसरी तरफ बात कर लेता हूँ कि इसमें हमारे पास नेट में और दूसरी तरफ हमारे पास जैम के अंदर ये जो टॉपिक पढ़े जाते हैं सॉलिड स्टेट क्यों है, क्योंकि ये जो हमारे पास सॉलिड स्टेट है कम से भी कम अगर हम बात करते हैं ये बहुत ज़्यादा नंबर की मानी जाती है, कम से अप्रोक्स हम बात कर लेते हैं इसकी 6 से 12 नंबर में, नेट में और जैम के अंदर, ये नेट और जैम के अंदर अगर हम बात कर लेते हैं तो 6 से 12 नंबर में ये टॉपिक्स पढ़े जाते हैं, और 6 से 12 नंबर भाई बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, ठीक है। जैम के अंदर नेट के अंदर 6 से 12 नंबर आना बहुत ही बड़ी बात होती है, तो इतने मार्क्स का आ सकता, तो इसलिए ये चीज़ हमें पढ़नी ज़रूरी है, ठीक है। हमें ये नहीं है कि हम सारी चीज़ हम एक जगह, मैं बताता रहूँगा कि भाई ये टॉपिक हमारा किस कहाँ पर ज़रूरी है, कौन कौन से बच्चे कौन कौन से लेवल पर ये इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। तो ये था हमारे पास बेसिक जो हमारे पास पहली चीज़, तो यही चीज़ें हमें पढ़नी, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं पढ़ेंगे हम, ये नहीं कि हमने कुछ भी उठा के पढ़ लिया, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही वही पढ़ेंगे हम। तो ये था दोस्तों हमारे पास सॉलिड स्टेट के बारे में।